यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिवम सोनी। भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी है। 126वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर चर्चा गुरुवार को है। एक दिन का विशेष सत्र विधानसभा का रखा गया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर यहां पर मोहर लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी देने की बात यहां पर सामने आ रही है। कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है। 126वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी यहां पर मिली है। देश में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मसले पर संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, केंद्रीय कानून जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में पारित है, उसको पूर्णतः पारित करने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में पारित करना आवश्यक होता है। इसलिए उसको अनुसमर्थन को मंत्रिमंडल ने सहमति दी। अब उसके लिए कल विधानसभा में अनुसमर्थन का संकल्प आएगा, प्रस्ताव आएगा। दूसरा, क्योंकि वर्ष के पहले विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी मंत्रिपरिषद ने, मंत्रिमंडल ने निर्णय किया, सहमति दी। और हमेशा ऐसा होता है कि जो राज्य मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करते हैं, उसी को महामहिम के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो आज केवल इन दो बिंदुओं पे चर्चा हुई और दोनों मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। धान खरीदी को लेकर समीक्षा हुई क्या? धान खरीदी पे तो कैबिनेट सब कमेटी पे जो निर्णय हुआ है, अब उसमें आने वाले समय में विचार किया जाएगा। उसमें मंत्रिपरिषद में आज कोई बात आई नहीं है, लेकिन जो उस दिन निर्णय हुआ है उसको अब क्रियान्वित अधिकांश जिलों में करना शुरू कर। तो जरा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन प्रस्तावों पर मोहर लगी? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कल यानी कि गुरुवार को विशेष सत्र विधानसभा का होने जा रहा है। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। भूपेश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है, साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। अनुसमर्थन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। एक बार फिर से हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधानसभा को लेकर आज कैबिनेट बैठक हुई, किन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है? देखिए, विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है कल 16 जनवरी को जी। और इसमें राज्यपाल का अभिभाषण, चूंकि ये साल का पहला सत्र है और परंपरा के मुताबिक हमेशा सत्र के पहले दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होता है और इस अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। तो इस प्रस्ताव को, जो राज्यपाल के अभिभाषण कल जो होगा विधानसभा सत्र के शुरुआत में, उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो जो 126वां संविधान संशोधन है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया जाना है और जिस पर संसद में ये संविधान संशोधन लाया गया है, उस पर 50% राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो उसके लिए जो है मुख्य तौर पर ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपना अनुसमर्थन दिया है कि जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट है, भूपेश कैबिनेट है, वो इस बात का समर्थन करता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो 10 साल के लिए उनका आरक्षण जो बढ़ाए जाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, उसको कैबिनेट ने जो है अपनी सहमति दी है। और यही दो विषय थे जिस पर आज की कैबिनेट में चर्चा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अंतागढ़ की करेंगे, जहां पर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश